हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि गणेश पूजन विधि किस प्रकार से आपको इस गणेश चतुर्थी पर करनी चाहिए। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम के करने से पहले गणेश पूजन बहुत आवश्यक होता है। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी सारे काम आपके कर देते हैं। गणेश पूजन की सरल विधि जो आप आसानी से घर पर खुद ही कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही गणेश पूजन करना चाहिए। गणेश पूजा का संकल्प, गणपति पूजन शुरू करने से पहले संकल्प ले। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल व चावल ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोलें। अब हाथों में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। इस प्रकार से आप गणेश पूजा का संकल्प करते हैं। आइए अब जानते हैं कि गणेश पूजन की विधि क्या है। अपने बाएं हाथ की हथेली में जल ले लें एवं दाहिने हाथ की अनामिका उंगली व आसपास की उंगलियों से निम्न मंत्र बोलते हुए स्वयं के ऊपर एवं पूजन सामग्रियों पर जल छिड़के। मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्था कतोपिवः या स्मृत पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्ममयंत्रः सुचे। सर्वप्रथम चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। श्रद्धा भक्ति के साथ घी का दीपक लगाएं। दीपक रोली कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजन करें। अगरबत्ती व धूप जलाएं। जल भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश का धूप दीप रोली कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजन करें। अब गणेश जी का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए गणेश जी का आवाहन करें। दोस्तों अक्षत और पुष्प गणेश जी को समर्पित कर दें। अब गणेश जी को जल, कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्ति हो तो सुपारी को स्नान कराएं। दोस्तों गणेश जी को नवीन वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। रोली कुमकुम अक्षत सिंदूर इत्र दूर्वा पुष्प और माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। गणेश जी को मोदक सर्वाधिक प्रिय होता है, अतः मोदक मिठाइयां गुड़ एवं ऋतु फल जैसे केला चीकू आदि का नैवेद्य अर्पित करें। दोस्तों श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद एक परिक्रमा करें और पुष्पांजलि दें। गणेश पूजा के बाद अज्ञानतावश पूजा में कुछ कमी रह गई हो या गलतियों के लिए भगवान से सामने खड़े होकर आप उनसे क्षमा याचना करें। दोस्तों गणेश पूजन में जो जो हमने आपको बताया वह चीज जरूर करें। गणेश पूजन सामग्री, गणेश जी की आरती, गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ, गणेश मंत्र, गणेश कवच, श्री गणेश पंचरत्न स्त्रोत एवं गणेश चालीसा, इन सब का आप विधि पूर्वक पूजन करें एवं पाठ करें तो गणेश भगवान आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।